वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी जानते हो, जैसे अयोध्या यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फैजाबाद में है जो, और फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। अब वहीं की यूनिवर्सिटी है ये, बहुत ज्यादा आप इसको बारे में जानते होंगे। और यदि आप इसके स्टूडेंट हैं तो कल आपका 6 तारीख है और 6 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। 6 अप्रैल को पेपर है, याद रखना 6 अप्रैल को पेपर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का केमिस्ट्री का। तो इसका केमिस्ट्री का नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, जो जो बता रहा हूं बस उतना पढ़ लेना, और 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि टॉप करने वाले हैं आप, टॉपर बनने वाले हो 2022 के एग्जाम में। मतलब कल के पेपर में पूरा की पूरा पेपर फंसेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं बस इतना पढ़ के जाइए, बाकी कुछ मत देखना। मेरी बात समझ रहे ना, कुछ मत देखना। चलो फटाफट टिक लगा लो, मैं जो जो बता रहा हूं उस क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। अब यहां देखो, पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। यहां बहुत सारे क्वेश्चनों को छुड़वा रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं वही क्वेश्चन पढ़िए। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का सिद्धांत नहीं पूछेगा, यदि पूछ भी ले तो बना बना के कर देना, वही प्रोसेस कर देना है। देखो याद रखना, अब आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब बीबीटी के बारे में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे बोलते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं अणविक कक्षीय सिद्धांत। सारी वीडियो बना रखी है, समझ में ना आए आपको पढ़ते हुए तो हमारे नोट्स को आप डाउनलोड जरूर कर लेना। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नोट्स का लिंक, उसमें लिखा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2022 नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छे तरीके से याद करना है, जैसे एमओटी बोलते हैं, और इसका आपसे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा दीजिए विथ डायग्राम के साथ में। तो आप कैसे, ऑक्सीजन का याद कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, बस इतना कर लेना, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपसे पूछता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, या सिग्मा या पाई बॉन्ड में अंतर आपको बता देना, इतना क्वेश्चन आपको हो सके तो। एक क्वेश्चन और देखना, बंडल वाल्स वल क्या होता है, ये शॉर्ट में आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद में एक आता है देखो BSEPR थ्योरी, जिसे हम कहते हैं सयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, आप इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे, इसको आप देख के जाएंगे, इसको आप देख के जाएंगे, ठीक है, आप इसको देख के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रभाव डालने वाले कारक, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा आप देख लेंगे। आयनिक त्रिज्या की परिभाषा, आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, आयनिक त्रिज्या की परिभाषा याद करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में याद करेंगे, बस इतना क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है यहाँ, ओके। उसके बाद में आपको देखना है संक्रमण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, आपको बल 3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखना है, sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, संक्रमण जिसे बोलते हैं, इन तीनों के बारे में आप देख लेना, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आकार बराबर देख लेना है, बाकी यहां कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको देखना है प्रकाशीय समवेता पर, प्रकाशीय समवेता के बारे में आप आंसर देखना, प्रकाशीय समवेता, त्रिविमीय समवेता, बस प्रकाशीय समवेता और त्रिविमीय समवेता, 2 समवेता के बारे में देख लेना, यही क्वेश्चन छपेंगे पेपर में, ठीक है। और एक देखने ला, लैक्टिक अम्ल बनाने का निर्माण करने की विधि, लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल बनाने की विधि के बारे में, जो येलो कलर से आपको कर रहा हूं, और इसको भी पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं। देखो फ्रांस का नियम के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस के नियम को रट के जाएंगे आप, ये लोग जितने क्वेश्चन पीले रंग से कर रहा हूं इन क्वेश्चन को रट के जाना है। कंप्यूटर के बारे में एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन 100% या तो आपसे कंप्यूटर के भाग के बारे में पूछ लेगा, ये कंप्यूटर के आपकी विशेषता और उपयोग के बारे में पूछ लेगा, याद रखेंगे बस इतना आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में एक जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे, और अफवाह का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट के जाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन बनता है एस पी और डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो सेफ ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स आपसे पूछता है, इसके बारे में आप देखेंगे। आयनिक विभव या आयनिक ऊर्जा क्या होती है, आप इसको पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रभावित करने वाले कारक। एस ब्लॉक एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बॉन्ड एनर्जी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। मैसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैसोमेरिक या प्रेरित प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ये 2 इफेक्ट आपको देख लेना है, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है मैसोमेरिक इफेक्ट, दोनों इफेक्टों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। एक होता है हाइपोकंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है अतिसंयोजन किसे कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना इस बात को मेरी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अतिसंयोजन क्या होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आप टिक करेंगे फ्लाइंग वेज सूत्र के बारे में, फ्लाइंग वेज
जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसके बारे में इसको क्वेश्चन को याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है नाभिक स्नायी, नाभिक स्नायी और इलेक्ट्रॉन स्नायी अभिकर्मक, दोनों अभिकर्मक के बारे में अंतर पूछ लेगा या फिर आपसे इनकी परिभाषा पूछ लेगा। लास्ट में आपको बस समरूपण को देख लेना है, जो आपसे साइक्लोहेक्सेन का समरूपण के बारे में पूछता है। साइक्लोहेक्सेन का दो प्रकार से समरूपण पूछ सकता है, एक कुर्सी के बारे में, एक नाव के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ लेना, बाकी इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। आप जब पेपर देके आएंगे तो आपका 90% प्लस जाएगा और आप खुद कहोगे, और पेपर होते ही मुझे आप पेपर को पीडीएफ को या फिर आप फोटो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर हो जाएगा 7037327838 और 38। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो जो भी पेपर आप देके आएंगे उसका फोटो या फिर आप उसकी पीडीएफ बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे या फिर उसका फोटो भेज सकते हैं, और अपना नाम भेजना ताकि मैं आपका नाम जब भी मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं आपका नाम लूंगा यहाँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना।